आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के 20th वीक के बारे में। 20वें हफ्ते में आपको आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, बच्चे का कितना डेवलपमेंट हो चुका होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन प्रेगनेंसी केयर इंडिया। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो जैसे ही 20वां हफ्ता लगता है, आपका जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसका मिड पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर आधा कंप्लीट हो चुका होता है, आपकी प्रेगनेंसी का भी आधा समय जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है। बात करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे का फेशियल फीचर्स बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। बच्चे के नोज़ वगैरह जो है अपनी जगह पे स्ट्रक्चर लेना स्टार्ट कर देती है। बच्चे का नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है। और इस वीक पे या इस वीक के पहले से ही आपका बच्चा जो है ऑलमोस्ट 19th वीक पे होता है या 20th वीक पे होता है, आपका बच्चा जो है वो थंब सक करना स्टार्ट कर देता है। तो जो सकिंग वाला जो सेंसेस है वो बच्चे का डेवलप हो चुका होता है। बच्चे की स्लीप साइकिल्स भी जो है वो भी अच्छे से स्टेबल हो चुकी होती हैं, मतलब बन चुकी होती हैं। बच्चे का एक पैटर्न प्रॉपर बन जाता है कि वो इस समय पे सोता है, इस समय पे जागता है। इसीलिए आपको बच्चे के मूवमेंट्स को भी आप जज कर पाते हैं कि किस समय आपका बच्चा मूवमेंट्स ज़्यादा करता है, कि ज़्यादा आपको फील होती हैं, और किस समय बच्चे की हलचल बहुत ही कम रहती है। वो इसीलिए क्योंकि आपके बच्चे की जो स्लीप साइकिल है वो अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है। इस वीक पे आपके बच्चे की स्किन पे एक वैक्स लेयर बन जाती है। वो इसलिए जैसे क्योंकि बच्चा जो है वो पूरा 9 महीने अमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, एक लिक्विड में रहता है, उससे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाइट कलर की सी लेयर जो है वो बच्चे की स्किन पे आ जाती है। इसीलिए जब हम देखते हैं ना, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी स्किन एकदम अलग सी वाइट सी क्रीमी सी होती है, तो वो लेयर बच्चे को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अमनियोटिक फ्लूइड। साथ ही साथ बच्चे को हिकअप्स आना जो है वो इस वीक पे स्टार्ट हो जाता है, और इन हिकअप्स को मदर आराम से फील कर पाती हैं। और अगर ये आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो आप बहुत ही अच्छे से इन हिकअप्स को भी महसूस कर पाते हैं। साथ ही साथ आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस हफ्ते पे आते आते जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। मदर की बॉडी में चेंजेस की बात करें तो अभी आपकी बेली शो होने लगती है, और अब आपको बच्चे के मूवमेंट्स भी महसूस होते हैं, प्लस जो यूट्रस होती है वो नेवल के ऊपर तक अभी राइज कर चुकी होती है। और साथ ही साथ कुछ सिम्टम्स भी अलग से प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस वीक पे देखने को मिलते हैं। 20 वीक का रफली एक ये रहता है कि 5th मंथ जो है आपका चल रहा होता है। 5th मंथ पे यानी कि 20th वीक पे आते आते आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह सकती है, आपको कंजेशन फील हो सकता है, साथ ही साथ आपको नोज़ ब्लीडिंग भी फील हो सकती है। अगर ये नोज़ ब्लीडिंग थोड़ी बहुत है तो दैट इज़ ओके, जस्ट लाई डाउन और थोड़ा सा रिलैक्स करिए। और बट अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अगेन प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। प्रेगनेंसी में किसी भी सिम्टम्स को छोटा या बड़ा मत समझिए, डॉक्टर से अपने हर सिचुएशन के बारे में डिस्कशन ज़रूर करिए। इस वीक पे आते आते आपको जो है आपकी लोअर बैक जो है वो पेन करना स्टार्ट कर सकती है। आपको काफ़ी, अगर आपकी ये सेकेंड प्रेगनेंसी है तो हो सकता है आपको ये पेन और ज़्यादा महसूस हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, मतलब क्योंकि अभी चल ही रही है, दैट इज़ कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेल्विक पेन बहुत ज़्यादा रहा है। और मुझे ये पेल्विक पेन 4th मंथ के बाद से ही स्टार्ट हो गया था, बट इट वाज नॉट दैट सीवियर, बट 6 मंथ के आते आते मेरा जो पेल्विक पेन है दैट वाज वेरी वेरी रफ। और रात को सोते वक्त मैं करवट भी चेंज नहीं कर पाती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पेल्विक पेन होता है। आई स्टार्टेड सम एक्सरसाइजेज, सम फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेज, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला, जो कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी पेल्विक पेन के बारे में। तो आपको लोअर बैक पेन भी महसूस हो सकता है, स्पेशली अगर आपको सी सेक्शन हुआ है तो स्पाइन में इंजेक्शन लगता है। बहुत सारी लेडीज़ को ये कंप्लेन होती है कि वो इंजेक्शन पेन करता है। कुछ लेडीज़ जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एपिड्रल लेती हैं, उनको भी उस एपिड्रल वाली जगह पे पेन होता है। मैंने भी एपिड्रल लिया था, बट लकीली मुझे वो पेन महसूस नहीं हुआ है। तो लोअर बैक पेन आपको महसूस हो सकता है। आप चीज़ों को जल्दी जल्दी भूल सकते हैं, हो सकता है आपको चीज़ें याद ना रहें, क्योंकि जो मॉमी ब्रेन होता है वो बहुत डिफरेंटली वर्क करता है एक नॉर्मल पर्सन के ब्रेन के कंपैरेटिवली। साथ ही साथ आपका वेट गेन भी हो सकता है, और आपके हाथ पैरों में आपको थोड़ी बहुत
सूजन भी नज़र आ सकती है, और ये सूजन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये स्वेलिंग आपके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप अपना देखिए कि आप क्या पूरे दिन चेयर पे बैठते हैं, बहुत ज़्यादा देर पैर ऐसे चेयर पे बैठ के लटके रहते हैं, कहीं पे आप स्टूल पे या कहीं पे रखते नहीं हैं, इसकी वजह से भी ये स्वेलिंग बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें आप नोटिस करें, उसके बाद भी सूजन ज़्यादा है, तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। हो सकता है वो कुछ ब्लड टेस्ट भी आपको बोलें, सो देट वो देखें कि आपकी बॉडी के फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली हो रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के कारण तो आपको ये स्वेलिंग नहीं आ रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है हाथ पैरों में, ये भी एक बहुत सारी लेडीज़ को होता है, ये मुझे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में काफ़ी हुआ था। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है हाथ पैरों में, तो भी अपने डॉक्टर के साथ में ज़रूर कंसल्ट करें। समटाइम्स एक्सेसिव जो खुजली होती है, इचिंग होती है, ये सिम्टम होता है कि आपका लीवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, सो इट नीड सम अटेंशन। सो आप अपने डॉक्टर के साथ में इस बारे में ज़रूर बात करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, 21वें हफ्ते में बच्चे की क्या ग्रोथ होती है, मॉम की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली हैं, जो कि आपको 21वें हफ्ते पर ज़रूर याद रखनी है। बात करेंगे अगले हफ्ते। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।